नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PSA क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में राजा सेवा भूमि सुधार विभाग के बारे में बात करने वाले, जो बिहार अमीन के 10,101 पोस्ट पर बहाली निकल के आई थी, जिसमें पद है अमीन कानूनगो कलर कोरेसो का। रिजल्ट आने में इतना देरी क्यों, आखिर कब आएगा स्कोर कार्ड, काउंसलिंग कब से शुरू होगी, सरकार को फरवरी तक सर्वे का काम पूरा करना है, गुड न्यूज। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। आखिर रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रही है, जब आलोक कुमार मेहता जी बोल दिए थे तो 15 तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और विभाग में भी यही अपडेट दिया गया था पदाधिकारी के द्वारा, जो आपको 15 दिसंबर तक हर हाल में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आगे की रणनीति क्या है, 18 तारीख का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार LRC रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, जो विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है और 18 तारीख हम लोग क्या करने जा रहे हैं पटना के अंदर। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, PSC क्लासेस का भी टेलीग्राम पे है, देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पर है। आप टेलीग्राम पे जाके PSC की क्लासेस रोसड़ा सर्च करेंगे तो अभी जस्ट हम पोस्ट किए यहाँ पर, देख लीजिए टाइम, देख लीजिए 11:13 अभी कितना हो रहा है, 11:27 में। तो हम पहले ही बता दिए, सबसे पहले हम टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट देते हैं, उसके बाद समय मिल पाता है तो वीडियो बनाते हैं, अन्यथा वीडियो नहीं बना पाते, यूट्यूब पर अपडेट हम नहीं दे पाते हैं। तो क्या लिखे हैं देख लीजिए, भाई आप सब लोग के पास एकमात्र यही उपाय बचा है कि महाआंदोलन 18/12/2023 को करना है। उस आंदोलन में मीडिया को भी बुलाया जाएगा और जिन अधिकारी से हम लोग को बात करना है उन्हें बाहर आके बात करना होगा। सभी स्टूडेंट से इस बार कोई भी विद्यार्थी ऑफिस जाकर अधिकारी से बात नहीं करेगा, उनको ही बाहर आना पड़ेगा। आगे देख लीजिए, इसके लिए आप सभी लोगों का जरूरत है, सभी लोगों का एक साथ चाहिए। 18 तारीख को सुबह 10 बजे BCECEV ऑफिस पहुंचकर इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से सफल बनाकर उसी दिन रिजल्ट या कोई नोटिस निकालने को कहा जाएगा। 18/12/2023, उसके बाद देखिए नीचे भी लिखे हुए हैं, सभी एकजुट होकर आए, रिगार्ड्स बाय PSC की क्लासेज। तो दोस्तों देख लीजिए, आप लोग के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, हर चीज़ आपको पता है, बार बार हम कितना बार पटना गए हैं, आप लोग नहीं गए हैं तो घर में बैठने से काम नहीं होगा। हजारों के हजार संख्या में उस दिन आपको पटना के अंदर पहुंचना है और शांतिपूर्वक ढंग से, मीडिया का भी हम लोग सपोर्ट लेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से, जो भी YouTube पर बिहार LRC से रिगार्डिंग वीडियो बनाते हुए सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग पटना के अंदर आइए और सभी स्टूडेंट को BCECE बोर्ड के बाहर हम लोग को एकजुट होना है और जो भी पदाधिकारी है बाहर आके हम लोग से बातचीत करेगा, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। और जितना भी मीडिया है सभी मीडिया को भी बुलाएंगे और उसी दिन अगर आप लोग 1000 से 2000 स्टूडेंट आते हैं तो उसी दिन ध्यान से सुन लीजिए, उसी दिन कोई ना कोई आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है तो उसी के शाम तक देर रात तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे 10, 20, 50 जाइएगा, कभी हम गए, कभी कोई और स्टूडेंट गया, कहीं कोई और यूट्यूब चैनल वाले गए, तो ऐसे में संभव नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोग को रिजल्ट चाहिए दिसंबर में तो आप लोग को 18 को एकजुट होना है। कितना दफ़ा हम गए आपको भी पता होना चाहिए और वीडियो बना के अपडेट दिए, कितना स्टूडेंट और जो भी यूट्यूबर है हमने ही वीडियो देख के अपडेट दे देता, हाँ आज गए, ये सब हुआ था। इस बार आप लोग को सभी स्टूडेंट को आना है, ठीक है। जो भी व्हाट्सएप पर वीडियो बना, व्हाट्सएप पे जो शेयर करते हैं, टेलीग्राम पर शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पे वीडियो बना के अपलोड करते हैं या यूट्यूब पर करते हैं बिहार LRC के बारे में, वे सभी स्टूडेंट को कल पटना, कल नहीं 18 तारीख को पटना आना है। और इस बार स्टूडेंट को सपोर्ट में, क्योंकि नहीं मंत्री का कोई वैल्यू है, नहीं BCECE के जो भी पदाधिकारी है किसी के बात के वैल्यू है, जो रियलिटी बताते हैं, क्योंकि इन लोग के बात का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, कोई वैल्यूएशन नहीं है। इसीलिए इस बार हम लोग को अंदर नहीं जाना है, बाहर में ही आके बातचीत करना है और हर हाल में उस दिन या तो नोटिस आप जारी कर दीजिए कि किस दिन आप रिजल्ट जारी कीजिएगा,
या तो उसी रात आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। एक ही हम लोग को मांग करना, हर चीज़ करना, नहीं तो ऐसे 10-20 करके स्टूडेंट जाएगा तो आपको लगता है जो दिसंबर में भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो अभी विभाग कर रहा है, जो अभी विभाग का रवैया देख रहे हैं, इस रवैया के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं जो दिसंबर में आपको नहीं लगता है जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट हजारों का हजार संख्या में पटना पहुंचिए। हो सकता है किसी को जान पहचान हो, अभी तो हम बातचीत किए थे दिलीप जी से, दिलीप भैया अभी फ़ोन नहीं रिसीव किए, जो भी अगर है दिलीप जी से अगर बातचीत करना चाहते हैं तो आप लोग बातचीत करके उनको भी बोलिए 18 तारीख हम लोग सर आ रहे हैं बिहार एलआरसी का रिजल्ट देखिए। जो अभी तक बिहार एलआरसी का रिजल्ट विभाग जारी नहीं किया, आजकल कर रहे हैं, तो हो सकता है तो दिलीप जी से भी आप लोग बातचीत कर लीजिए, जो भी बातचीत करना चाहते हैं या जिससे भी जान पहचान है हर चीज़ एक बार बातचीत कर लीजिए और हजारों का हज़ार संख्या में आइए और इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कीजिए। उल्टा पुल्टा कॉमेंट करने से क्या मिलेगा, हम भी स्टूडेंट के हक में सोचते हैं और जो भी स्टूडेंट के हक में ही सोचते हैं। आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट कीजिएगा, उससे नहीं आपको कोई फायदा है, नहीं हमें कोई फायदा मिलेगा। एकजुट होकर काम करेंगे, हर चीज़ करेंगे, तभी जाके दूसरे को फायदा भी मिलने वाला है। इसीलिए सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ के विनती है और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कितना स्टूडेंट उस दिन आ रहे हैं आप लोग सभी स्टूडेंट, क्योंकि कितना दफ़ा हम गए इस बार आप लोग खुद जाइए, क्योंकि मेरा कल 17 का एग्जाम है, कल बिहार एसआई का एग्जाम, हम स्पष्ट रूप से इस बार बोल देते हैं इस बार हम नहीं आ पाएंगे, जो रियलिटी बताते हैं, क्योंकि हम इस बार आप लोग हजारों का हजार संख्या में जाइए क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, तो हो सकता है हम लेट से लौटे नहीं पहुंच पाए 18 को, तो इस बार आप लोग को खुद जाना है, हजारों का हजार संख्या में पहुँचिए और रिजल्ट निकलवाइए, क्योंकि पहले ही बोल देते हैं उस दिन हम आपको मैसेज करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो आप लोग बोलिएगा सर नहीं आ पाए क्योंकि मेरा एग्जाम है, इसी कारण हम आपको बोल रहे हैं। इसीलिए जो भी स्टूडेंट अभी पीएचटी का इसके टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, जितना हो सके वीडियो को, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि हम नहीं आ पाएंगे, बार बार हम बोल रहे हैं जो 18 तारीख के हम नहीं आ पाएंगे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा एग्जाम है, अभी एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और एग्जाम दिया है मधुबनी में, तो इसीलिए सेकेंड शिफ्ट मेरा एग्जाम है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, थके रहेंगे, अर्ची रहेंगे, फिर जाएंगे एग्जाम दे के शाम तक 8-9-10 रात बजे तक लौटेंगे, फिर आना संभव नहीं है, इसीलिए हम आपको बोल दिए आप लोग इस बार खुद जाइए और हजारों का हजार संख्या में जाइए, जो भी अपडेट होगा आप लोग बताइएगा, उससे मेरे पास जो अपडेट आता है हम आपको बता ही देते हैं, हम आपको अपडेट दे ही देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।